लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार हर पार्टी दल अपनी पार्टी के प्रत्याशियों को उतार रही है। कहीं पार्टी का चेहरा तो कहीं काम तो कहीं जातिवाद को आधार बनाकर प्रत्याशियों का चयन हो रहा है और इसी के चलते बसपा पार्टी ने प्रत्याशियों को उतारना शुरू भी कर दिया है। अब ऐसे में हॉट सीट रहने वाली उत्तर प्रदेश की मैनपुरी शहर से बसपा ने डॉक्टर गुलशन देव शाक्य को उतारा है। हालांकि इस सीट की बात करें तो बसपा ने एम फैक्टर नहीं बल्कि शाक्य चेहरा उतार कर सीधा जाति समीकरण खेला है। मैनपुरी लोकसभा सीट पर पिछड़ी जातियों की बहुलता है। इस सीट पर सबसे ज्यादा वोटर यादव समुदाय के हैं। एक अनुमान है के मुताबिक यादव वोटर्स की संख्या 3.5 लाख है। इसके अलावा राजपूत वोटर्स की संख्या 1.5 लाख है और शाक्य वोटर्स की संख्या 1.6 लाख है। इस सीट पर ब्राह्मण वोटर की जब बात आती है तो इनकी संख्या 1.2 लाख है। जाटों वोटर की बात करी जाए तो 1.4 लाख और लोधी राजपूत वोटर्स की संख्या 1 लाख है। मैनपुरी में मुस्लिम वोटर्स भी 1 लाख के करीब है जबकि कुर्मी मतदाता भी 1 लाख है। और अगर इस सीट की बात करें तो यह सीट सपाइयों का गढ़ कही जाती है। पहले यह सीट दिवंगत मुलायम सिंह की हुआ करती थी लेकिन उनके देहांत के बाद इस सीट पर उनकी बहू डिंपल यादव ने कमान संभाली है। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जहां हर पार्टी दल अपने प्रत्याशियों को उस यूपी की उन 80 सीटों पर वो बड़े चेहरे और उभरते चेहरे उतारना चाहती है, साथ ही साथ उस जाति समीकरण को ध्यान में रखकर के उतारना चाहती है कि इस बार चुनाव में वो सीट उसको हासिल हो, तो इसी बीच और इन तमाम मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए बसपा ने भी अपना मास्टरमाइंड खेला है और यहां से शाक्य वोटर को उतारा है। और शाक्य वोटरों की संख्या की अगर हम बात करें तो 1.6 यानी कि 1.6 लाख के आधार पर बसपा पार्टी का शाक्य चेहरा उतार कर सपा के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं शाक्य चेहरे उतारने से जो वोट यादव के साथ साथ और सपा के गढ़ में जाते थे, सपा के पाले में जाते थे, सपा के खेमे में जाते थे, वो अब उसमें ना जा करके बटेंगे। और ये बटने की जो राजनीति है इसी के चलते शाक्य वोटर्स को उतारा गया है, क्योंकि जहां यह चुनाव एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन लग रहा था लेकिन बसपा का ये मास्टरमाइंड स्ट्रोक यकीनन बाकियों के खेल बिगाड़ने वाला है। और साफ तौर पर जो बीजेपी नारा लेकर के चली है कि यूपी में 80 में 80, वहीं सपा ये बात कह रही है कि यूपी में इस बार उसकी सीटें ज्यादा आने वाली हैं, तो वहीं बसपा बहुत ही स्लो तरीके से और ज्यादा दिमाग के साथ अपने प्रत्याशियों का चयन कर रही है और यकीनन ये चयन जो है आने वाले चुनाव काफी ज्यादा टक्कर देने वाले हैं।